उत्तराखंड विधानसभा की दोनों खाली सीटों पर उपचुनाव की तिथियां तय हो चुकी हैं और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। फिलहाल तो जो बद्रीनाथ सीट है उसके लिए जो कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी पर्यवेक्षक अपने तय कर लिए हैं, ताकि जो आपके जिताऊ प्रत्याशियों का प्रत्याशी का चयन कर सकें। तो मेरे ख्याल से जो बीजेपी की तरफ से वो तो पर्यवेक्षक तो की बात जो है वो तो केवल औपचारिकता है। बंदा राजेंद्र भंडारी ने पिछली बार अपने जीती हुई सीट खाली की है बीजेपी के कहने से, तो उनको टिकट मिलना लगभग तय ही माना जा रहा है। इधर अभी कांग्रेस की तरफ से वैसे तैयारी तो लखपत बुटोला कर रहे हैं, बद्रीनाथ के इसके जोशीमठ के ब्लॉक प्रमुख प्रकाश रावत भी कर रहे हैं, और एक बात वो भी पार्टी का ये भी विचार है कि गणेश गोदियाल जैसे दमदार प्रत्याशी चुनाव लड़े तो उसमें जीत की ज़्यादा संभावना उनकी बन सकती है, क्योंकि वो अभी तो अच्छा उन्होंने किया, भले हार गए हों अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है। और दूसरी बात यह है कि बद्रीनाथ मंदिर समिति के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, और भले उनका चुनाव क्षेत्र उधर लगभग उसी अगल बगल के ही रहने वाले हैं, उनकी वाकफियत बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के बतौर उनके संपर्क भी बहुत अच्छे वहाँ पर हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो ये चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि अभी अगर बाय द वे किसी वजह से हार हो जाती है तो लोकसभा चुनाव हारना फिर विधानसभा चुनाव हारना तो फिर एक इमेज पर असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो अल्टीमेट प्रत्याशी हो संभावित है वो या तो लखपत बुटोला हो सकते हैं या प्रकाश रावत हो सकते हैं। कुछ लोग तो चर्चा ये भी चला रहे हैं कि भाई राजन भंडारी जी की पत्नी हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं चमोली की, रजनी भंडारी जी, उन्होंने वो अभी कांग्रेस में है, उन्होंने अपने पति के साथ बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेसी उनको ही भी चुनाव लड़ा सकती है। तो राजनीति में संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे राजनीति में कोई न तो स्थायी दुश्मन होता है ना स्थायी दोस्त होता है, तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ पर जो अगर कांग्रेस भी पूरी ताकत लगाएगी कि ये सीट, क्योंकि कांग्रेस की सीट थी, राजन भंडारी कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने ये सीट छोड़ी है, तो सीट तो कांग्रेस ही की थी, तो वो सीट को रिगेन करने के लिए कांग्रेस का पूरा प्रयास होगा। इधर बीजेपी चाहेगी कि वो उनकी अभी स्ट्रेंथ विधानसभा में 47 है, वो 48 करना चाहेंगे, तो हो तो जीत का अपना जगरनॉट जैसे कहते हैं वो आगे बढ़ाना चाहेंगे ही, उसके बाद आगे तो उनका भी है। लेकिन अभी ये भी हो रहा है कि जो भंडारी जी के समर्थक हैं राजन भंडारी जी के, वो जीत के प्रति तो हैं आश्वस्त, लेकिन उनको डर है कि कहीं पार्टी के अंदर ही भीतरघात ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी के अंदर चमोली जिले में राजन भंडारी को लेकर काफ़ी असंतोष भी है, उनको मतलब कटुता भी है कि वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा जुट जाए। पिछले चुनाव में भी वो ज़्यादा मन से नहीं थे, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में आपके चमोली की थराली और दूसरी सीट से आपका काफ़ी कर्णप्रयाग सीट से एक अच्छी मार्जिन से बीजेपी की जीत हुई, लेकिन चमोली इसके बद्रीनाथ सीट पर कम मार्जिन रहा, लगभग 6,500 7,000 के बीच रहा, जबकि उन पर काफ़ी डबल हो रहा है। तो इसका मतलब लोगों ने ये लगाया है कि भंडारी जी के आने से बीजेपी में आने से उनको ज़्यादा फायदा होने के बजाय थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन भंडारी का अपना संगठन अपना दारोमदार है। भंडारी ने निश्चित रूप से काम काफ़ी किए हैं, उस चमोली जिले में ही काम किए हैं, उनकी पत्नी ने अच्छे काम किए हैं, तो कुछ अपने काम के बलबूते पर भी उनको वोट मिलती है, उनका अपना युवाओं में अपना उनका अच्छा है, तो अगर जो चुनाव लड़ेंगे तो उनको अपने दम पर वो ज़्यादा उनको भरोसा होगा। और बीजेपी चाहे एक्स्ट्रा सचमुच ईमानदारी से उनका करेगा तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उनको भीतरघात की बहुत संभावना है, क्योंकि अभी चर्चा तो ये भी है, देखिए कि जब से राज्य बना वो और भंडारी जी और ये महेंद्र भट्ट जो इस समय एमपी हैं और विधान इसके उत्तराखंड कांग्रेस के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, तो इनका प्रतिद्वंदिता रही है। पहले वो सीट करता नंदप्रयाग के नाम से जानी जाती थी,
उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ, 2006 का डिलिमिटेशन है, तो 2012 में इसके बाद वो बद्रीनाथ सीट के नाम से दोबारा उसका डिलिमिटेशन होने की वजह से नई क्षेत्र आए कुछ कट के, तो उसका नाम बद्रीनाथ हुआ। तब भी क्या कहते हैं, महेंद्र भट्ट राजन भंडारी ही दोनों आपस में टकराते रहे हैं। तो राजन भंडारी उस सीट पर कांग्रेस की तरफ से भी जीते हैं और निर्दलीय के तौर पर भी जीते हैं, जबकि महेंद्र भट्ट केवल बीजेपी के नाम से बीजेपी की तरफ से ही वहाँ पर चुनाव जीते रहे हैं। ये स्थितियाँ हैं। पिछले 2022 में राजन भंडारी ने महेंद्र भट्ट को लगभग 2000 वोटों से परास्त किया था। तो ये कट्टर प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के। तो देखते हैं, राजनीति में कहा कि स्थाई दोस्ती नहीं होती है तो अस्थाई दुश्मनी भी नहीं होती है, परिस्थितियों के हिसाब से ये सब बदलता रहता है। अगर बीजेपी पूरा जोर लगाएगी तो बीजेपी की संभावना वहाँ काफ़ी हैं। दूसरी तरफ से गणेश गोदयाल के अलावा अगर लखपत बुटोला भी युवा हैं, दोनों राजन भंडारी और वो दोनों एक ही ब्लॉक के हैं, पोखरी ब्लॉक के हैं, और दोनों का लगभग आधार एक जैसा ही है, तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट भी कमज़ोर नहीं माने जा सकते हैं। तो लेकिन राजेंद्र भंडारी एक बार जीते हुए हैं तो वो सारी परिस्थितियाँ देखते हैं। राजनीति का ऊंट कब क्या करवट बदलता है ये पहले प्रिडिक्शन करना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी।